और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से चंदन राम दास बीमार चल रहे थे। जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में वो भर्ती थे और अब बीमारी के बाद में उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन राम दास जिनका जिला अस्पताल बागेश्वर में निधन हो गया है, आईसीयू में भर्ती थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका निधन अभी हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दुख भरी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थे, लेकिन इसी बीच ये दुख भरी खबर आई कि उनका निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में इलाज भी चल रहा था उनका, और अस्पताल में आईसीयू में वो भर्ती थे, लेकिन अब ये दुख भरी खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, जिनका निधन हो गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। कई दिनों से बीमार थे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, और कुछ दिनों पूर्व उनको दिल्ली भी इलाज के लिए ले जाया गया था। काफी दिन एडमिट रहे, उनको सांस में भी दिक्कत होती थी चलने में, और बीते दिनों जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित हुआ था तो वो एक दिन से अधिक सत्र में नहीं रह पाए, और वहां से उन्हें फिर वापस लौटना पड़ा देहरादून के लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी थी। हमारी जानकारी यह है कि आज एक कार्यक्रम में उनकी तबीयत जब बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया है, यानी ब्रॉड डेड घोषित किया है। चंदन राम दास के पास परिवहन, ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। परिवहन मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। देखिए, ये दुख भरी खबर इस वक्त सामने आई है कि चंदन राम दास, आप ही के साथ ही कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन अभी हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मैं तो इस खबर सुन के बड़ा स्तब्ध हूँ, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही उनसे वार्ता हुई जी, और मैंने उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो बताने लगे कि भाई मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। तो ये सुनकर के बड़ा आघात हृदय को लगा है और बहुत दुखद समाचार है हम सबके लिए, बहुत ये पीड़ादायक सूचना है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। परंतु निश्चित रूप में बहुत ही हम लोगों को आघात लगा और हम सभी स्तब्ध हैं इस खबर को सुनकर के। सतपाल जी, देखिए, क्योंकि आप उनके साथ अक्सर रहे होंगे, तमाम बातें भी होती होंगी, तो ऐसा जब आपने बताया कि आखिरी बार जब आप उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब अचानक ऐसी खबर सामने आई है। नहीं, उनकी डिटोरेट तो कर रही थी खबर, उनका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे गिर रहा था जी। इसी को लेकर के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब चिकित्सा ठीक करवाइए, तो कहने लगे देखो भाई मेरा खून भी कम बनता है, उधर मैं जे खाने को ज्यादा कहा जाता है, उधर मुझे डायबिटीज भी है, तो इस प्रकार का बता रहे थे, पर कह रहे थे चला मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ये तो अचानक सुन करके हमारे हृदय को बहुत हम स्तब्ध हो गए, और हम मतलब सभी बहुत दुखी हैं और वेदना में हैं कि भाई हमारा साथी हमको छोड़ करके चले गया। ठीक है, शुक्रिया सतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतपाल महाराज जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कैबिनेट मंत्री, उनके साथी का निधन हुआ है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का आज निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी खबर आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अपूर्णीय क्षति भी है उनका जाना। विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अभी सतपाल महाराज से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी खबर जो अचानक से आई है उसने सभी को स्तब्ध कर दिया, और वाकई ये खबर ऐसी है जिसने सभी को स्तब्ध किया है, और एक अपूर्णीय क्षति भी है राजनीति के हिसाब से। सुदीप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको ये बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका निधन हो गया है।